आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी उपचार सिलवानी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जड़ी बूटी के संदर्भ में आज बात करते हैं तंबाकू की। जी हाँ, सबसे पहले आप इस तंबाकू की पहचान करिए। इसके पत्ते 1 से 1.5 फीट तक लंबे और 0.5 फीट तक चौड़े होते हैं। इसके जो है फूल नलिकाकार होते हैं और इन्हीं में जो है फल लगते हैं, वो जो है गुच्छों में लगते हैं। देखने में बहुत सुंदर पौधा दिखता है। हिंदी में इसको तमाकू सुरती, संस्कृत में तमाकू धूम्र पत्रिका क्षार पत्रिका, ताम्रकूट गुजराती में तमाकू, अंग्रेजी में इंडियन टोबैको। इसका वानस्पतिक नाम ट्रिकोनिया टैबाकम है। अब इसके गुणधर्मों के बारे में जानते हैं कि रस तिक्त कटु है, गुण तीक्ष्ण रूक्ष है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोष कर्म या कफवात हर है और पित्त वर्धक है। आइए अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि तंबाकू का हम किन रोगों में और किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। बात कंटक, जिनकी एड़ियों में दर्द होता है उनके लिए औषधि रामबाण का कार्य करती है। तो आइए देखते हैं कि एड़ी के दर्द में हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो आपको तंबाकू के 4-5 पत्ते लेना है और 4-5 पत्ते लेकर इनको आप जो है 2 लीटर पानी में डालकर बॉयल करें और जब इसमें से भाप निकलने लगे तो आप जो है एड़ी को इसकी भाप दें। इससे जो है एड़ियों का दर्द 3 से 4 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। आइए अब इसके दूसरे उपयोग के बारे में जानते हैं कि जो हुक्का वाले हैं, जो हुक्का पीते हैं, तो हुक्का में पानी भी भरा जाता है, तो उस हुक्के के पानी को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये तंबाकू का ही जो है अंश आ जाता है इसमें। तो हुक्के के पानी को आप निकाल कर और अर्श वाले रोगी इससे सोच करते करने के बाद इसको गुदा धोने से जो मस्से हैं वो वहीं के वहीं सुकड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वनस्पति के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय आयुर्वेद।